Student, so till now we are studying the hydrogen and its compound. The hydrogen position हम लोगों ने study कर लिया, occurrence study कर लिया, type of isotope study कर लिया, preparation of hydrogen study कर लिया. Okay, the most important part of hydrides in this chapter till now the most important part of hydride. तो हम लोगों ने बच्चों hydride study कर लिया. Hydride में mainly three types of hydride हम लोगों ने study किया. नंबर वन क्या है? नंबर वन है आयन ऑक्साइड्राइड. ओके, और इसको सेलेन हाइड्राइड भी बोलते हैं. नंबर सेकेंड है कोवेलेंट हाइड्राइड. नंबर थर्ड है मेटैलिक हाइड्राइड. बच्चों इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था हमने लास्ट लेक्चर. ओके, किसी को कोई डाउट है व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्राइड्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, इन द डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके. एनीबॉडी हैज एनी डाउट टिल नाउ? सर वो मेटालिक हाइड्राइड्स है ना, हाँ उसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं. वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इसलिए, देखो बच्चों जब भी कोई मेटल्स हैं, देखो आपके पास अगर कोई बॉक्स है, सपोज ऐसा कोई बॉक्स है, ओके, इस बॉक्स में हम लोग जो मार्बल्स होते हैं ना, या बॉल्स, छोटे छोटा सा बॉल्स में फिल कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से बॉल्स फिल कर दिया हम लोगों ने, तो टोटल फुल बॉल्स फिल करने के बाद जो बीच में स्पेस बचता है ना, ये वाला स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. ओके, जो स्पेस बचता है, सेम सिमिलर फॉर्म सिमिलर चीज क्या होता है कि जब इसको मैंने 2D बनाया, जब हम लोग 3D में इसको स्टडी करते हैं इस तरीके से, सपोज ये बॉक्स है 3D में, ये ऊपर से ओपन है, यहाँ से ओपन है, ओके, यहाँ से, अब इसमें क्या होता है कि जो मेटल के एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पे रखे रहते हैं, तो मेटल का एलिमेंट थोड़ा सा नहीं होता, मतलब बड़ा एलिमेंट होता है, इस तरीके से होते हैं, ये कॉर्नर पे सब जगह हाफ ऑफ द, यहाँ से हाफ ऑफ द पोजीशन ये यहाँ से होता है, हाफ पोजीशन यहाँ से होता है, इस तरीके से हाफ पोजीशन यहाँ पे होता है, हाफ पोजीशन यहाँ पे होता है, इस तरीके से जितने भी कॉर्नर है सब जगह पे मेटल प्रेजेंट हो गया, सपोज कोई सोडियम है लिथियम प्रेजेंट हो गया, बच्चों जब भी चारों यहाँ पर भी ये हाफ हाफ होते हैं, ये वाला पोजीशन यहाँ तक पूरा हाफ जाएगा, ये ऐड होगा इसमें, जब चारों पोजीशन ऐड हो जाएंगे तो ऊपर से अगर इसका टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरीके से कुछ नजर आएगा, बीच में ये स्पेस हो जाएगा ना, बीच में ये स्पेस समझ में आ रहा है, बीच में ये स्पेस बन जाएगा, तो इस स्पेस में आकर के हाइड्रोजन फिट बैठ जाता है, ये स्पेस बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इसी से हाइड्रोजन फिट बैठ जाता है तो इंटरस्टिशियल मेटल्स बनने लगते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं. ओके भाई, समझ में आया? जब जब इस तरीके से दो चीजें बैठ गई, एक यहाँ पे इस तरीके से ये बन गया, दूसरा इसी के ऊपर, इसी के नीचे या ऊपर बोल दो, दूसरा ये बनेगा, तो इन दोनों के बीच में इस पोजिशन में जो हाइड्रोजन बैठेगा वो शेयरिंग अमाउंट हो जाएगा, हो सकता है इरेगुलर शेयरिंग हो जाएगा, हो सकता है 50% यहाँ शेयर हो गया, 70% यहाँ, अगर रेगुलर अमाउंट में शेयर होता है सारे एलिमेंट के साथ, तो फिर वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में नहीं काउंट किया जाएगा, उसको फिर वो कोवेलेंट या आयनर हाइड्राइड के साथ काउंट किया जाएगा. ओके, समझ में आया? हाँ सर. वेरी गुड. नॉर्मल में हाफ ऑफ होता है क्या? नॉर्मल में एक्चुअली हाफ हाफ होता है. हाँ, इसमें क्या है कि यहाँ पे 50% जो सारे हाइड्राइड्स होते हैं, सपोज इसमें देखो यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, और इस फेस में, इस फेस में जो 6 फेस है हमारे किसी क्यूब के, तो सारे क्यूब में हाफ हाफ 50-50% होगा. ओके, हाँ सर. तो जब हम इस बॉक्स को हम लोग काउंट करेंगे, जैसे अब ये बॉक्स हम सपोज ये एक बन गया,
सपोज ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फेस बन जाएगा, अगर हम इस तरीके से काउंट करें, बीच में एक फेस बन जाएगा, जैसे एक बॉक्स ये है हमारे पास। ओके, अभी इस बॉक्स को मैं यहाँ से ये वाला पोर्शन देखिए। ओके, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो इस पोर्शन को मैंने इस तरीके से दिखाया। जब हाइड्रोजन की पोजीशन आएगी तो यहाँ पर आएगी, इस पोजीशन के बीच में मिडिल पे आएगी यहाँ पे, तो मैंने उसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी के हम लोग इसी के पीछे तो होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन एक्चुअली में। यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगी, ये कुछ डिस्टेंस होगी, ये कुछ डिस्टेंस होगी इस पोजीशन के आसपास। ओके, तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा तो ये एक फेस बन जाएगा, इस तरीके से दूसरा हाइड्रोजन के साथ एक फेस बन जाएगा यहाँ से यहाँ पर। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ फेस हम लोग देखेंगे तो उसमें यहाँ पर जो मिडिल का हाइड्रोजन होगा ये पूरा 100% हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। बेटा अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है इन डिटेल्स, इसको सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर होता है, सॉलिड स्टेट पढ़ा है आप लोगों ने? तो नहीं सर, नहीं सर। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही स्टडी करेंगे पूरा, कि मेटल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है सॉलिड स्टेट में, 3D फॉर्म क्या होता है। अगर आपको इन डिटेल्स में अभी नहीं जाना है, बस इतना याद रख लेना कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होते हैं, जो दो मेटल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और ये लेटेस्ट पॉइंट भी बोल देते हैं उसको, कहीं कहीं पे लेटेस्ट पॉइंट बोल देते हैं। तो उस जगह पे हाइड्रोजन इररेगुलर अमाउंट में शेप में बैठ जाता है, इसलिए उसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं। डिटेल्स हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया था बच्चों, तीनों हाइड्राइड्स हो गया था, कोवेलेंट मेटेलिक। नाउ हम लोगों ने वाटर पढ़ा था, वाटर हम लोग स्टडी कर रहे थे। वाटर अभी तक हम लोगों ने, आप लोगों को पता है कि जो एनिमल बॉडी में वाटर है वो अप्रोक्सीमेटली 65% एनिमल बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ओके, एंड प्लांट में जो प्लांट रहते हैं उसमें अप टू 95% वाटर ऑन अर्थ, वाटर अर्थ में कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है? नियरली 75%। ओके, ये जो अर्थ में है, अर्थ में जो प्रेजेंट रहता है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है ओशियन, सीज, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, लेक्स, मॉइस्चर इन सॉइल। ओके, एंड रिवर ऑल्सो। तो इस फॉर्म में डिस्ट्रक्ट और भी प्रेजेंट रहता होगा, मोस्टली इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है वाटर वो इसमें ओशियंस में रहता है, अप टू इस 75% का अप टू 96 to 98% प्रेजेंट रहता है सिर्फ ओशियन में। बाकी जो बचा हुआ 2 से 3 4% है वो सिर्फ इस समय प्रेजेंट रहता है, जो ग्लेशियर है, वाटर है, ग्राउंड वाटर है, इस समय प्रेजेंट रहता है। ओके बच्चों, ये हमारा वाटर हो गया, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है। जनरली क्या होता है, वाटर हर जगह हमें मिल जाता है, तो इसका प्रिपरेशन वाला मेथड हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर,
जो प्योर वाटर होता है वो कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस होता है। प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इम्प्योर होगा तो उसमें वो टेस्ट भी हो सकता है। प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7 हाँ, प्योर वाटर pH 7, कलरलेस, टेस्ट, ये तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। ओके, जनरल चीजें हैं। कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ओके जी बेटा, जो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है वो आइस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कि सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में वाटर रहता है? बच्चों, वाटर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, किसी को पता वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? जो तो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो वी फॉर्म में होता है। अभी इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ वाटर हेडिंग डाल लीजिए। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ओके, वाटर का स्ट्रक्चर बेटा, वाटर तीन फॉर्म में है, जो थ्री फॉर्म है उसमें एग्जिस्ट करता है। एक तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दूसरा सॉलिड फॉर्म में, तीसरा गैस, गैस और वेपर फॉर्म में, गैसियस, गैसियस और वेपर फॉर्म। ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब वाटर लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में होता है, तो तीनों का एग्जांपल आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं। जब वाटर गैस फॉर्म में होता है तो बहुत वेरी पोलर एंड हाइब्रिडाइजेशन उसका टेट्राहाइड्रल होता है, जो शेप होता है वो बेंट होता है। जैसे देखो, थर्ड हम लोग बात करते हैं गैसियस फॉर्म की। ओके, इसकी बात करते हैं सबसे स्टार्टिंग में। इसका शेप ही होता है, ये ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो इसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, सबको पता है, जिसका बॉन्ड लेंथ होता है 95.7 पिकोमीटर। इसका बॉन्ड लेंथ हो गया। ओके बच्चों, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका ज्यादा रहता है, ये ज्यादा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, मतलब बहुत ही कम रहता है। तो इसमें सिंपल सा जो आयनिक नेचर है वो प्रेजेंट हो जाता है। डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो सिंपल प्रॉपर्टीज निकल के आएंगे, ये वेरी पोलर इन नेचर होता है, वेरी पोलर होता है, यानी इसको हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ओके, थर्ड जो शेप होता है इसका, वो बेंट शेप होता है, वी की आकार में होता है ना, देखो वी की तरह बेंट है ना, ये बेंट शेप। और जो एंगल होता है इसमें, जो यहाँ से यहाँ तक एंगल है वो 104.5 डिग्री। एंगल है 104.5 डिग्री। ओके बच्चों, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वाटर एग्जिस्ट एज ए सेपरेट मॉलिक्यूल। जब गैसियस फॉर्म में होता है तो सेपरेट मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। ओके, एग्जिस्टेड एज अ सेपरेट मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, ये गैसियस फॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया है। ओके, एंड जो लिक्विड फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है उससे देखिए, लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है,
लिक्विड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर है इसका, सेकेंड हो गया ये लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों, स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, बस डिफरेंस डिफरेंस रहता है कि जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि एग्जिस्ट इज सेपरेट मॉलिक्यूल, इसमें एसोसिएटेड मॉलिक्यूल हो जाते हैं। ओके associated, associated due to through hydrogen bonding, hydrogen bonding के थ्रू वो उसमें क्या है आपस में वो लोग वो जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एड होता जाता है, जो एसोसिएट फॉर्म में होता जाता है। ओके बच्चों इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, स्ट्रक्चर बनाएगा कोई, देखो मैं बना देता हूँ, सपोज ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ओके ये हाइड्रोजन है, तो बच्चों ये हो गया उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पर टू डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव इस तरीके से बच्चों ये हाइड्रोजन फॉर्म पर ये एसोसिएट मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ओके तो समझ में आया, गैसियस फॉर्म हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया, अब चलते हम लोग सॉलिड फॉर्म में। कोई डाउट किसी को? सर वो लिक्विड स्टेट में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग होती है, क्या क्या सॉरी सुन नहीं पाया दोबारा से बोलिए, वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं ना लिक्विड स्टेट में, हाँ हाँ बॉन्ड लेंथ कितनी होती है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड लेंथ? हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ आई थिंक 250, वन सेकंड रुको मैं बताता हूँ, एक्चुअली में क्या होता है इसका आई थिंक 257 या 237 के आसपास होता है, मैं इसको वेरीफाई करके अभी लिखवाता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ तो मैंने आपको लिखाया अभी 95.7 होता है, 95.7 लिखा ना ऊपर ले। ओके हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके मैं आपको क्लियरिफाई करता हूँ, आई थिंक 237 या 240 के आसपास होता है, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, मैं अभी आपको कंफर्म करता हूँ। ओके एंड जो अच्छा हाँ याद आया 276 होता है आई थिंक 276। ओके 276 लिख लीजिए, पिकोमीटर, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभी देखो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या क्या रीजन हो जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, अभी लिखो इसमें रीजन लिख दो, सॉलिड लिक्विड इन कंडेंस फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द ड्यूटी एसोसिएटेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज शो करता है वाटर होता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है उसमें लिख लीजिए बच्चे, सबसे पहले तो क्या कर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, एंड डेंसिटी है,
ये हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप हैलाइड्स या अदर ग्रुप हाइड्राइड्स। जो जैसे कंपेयर करते हैं हम लोग ऑक्सीजन वाले ग्रुप में कौन कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, तो जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं या जो सल्फर के साथ हाइड्राइड फॉर्म होते हैं, H2O इसके साथ फॉर्म होता है, इसके साथ H2O फॉर्म H2S फॉर्म होगा, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, इसके मैच नहीं करेगी इसके। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन में ज्यादा होता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका सारा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। ओके, एंड इसकी वजह से क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है ना, हीट ऑफ फ्यूजन नंबर वन टू, नंबर वन में सवा तीन हो गया। आई थिंक आई सा अनिशा पाटिल है सम प्रॉब्लम। नंबर सेकंड द हीट ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन कोई बताएगा क्या होता है? 6 किलो जूल पर मोल। हाँ, 6 किलो जूल पर मोल। बट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, मैं डेफिनेशन बोल मतलब वो रहा जब दूसरे हूँ। किसी से कंबाइन करता है तो फिर जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है वो, या नहीं, फिर जो देनी। जो सॉलिड से हम लोग लिक्विड में करते हैं या लिक्विड से सॉलिड में करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है या देनी पड़ती है, वो होती है हीट ऑफ फ्यूजन। समझे बेटा? सॉलिड से लिक्विड में जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी हमको देनी पड़ती है, ये होता है हीट ऑफ फ्यूजन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें भी मतलब ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो नॉर्मल ट्रेंड्स होता है, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होते हैं एक ट्रेंड्स में चलते हैं, मतलब एक उनके ट्रेंड्स होता है कि इस तरीके से ये लोग इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह तो से इसका सारा फॉर्मेशन, सारा चीजें अलग हो जाती हैं। बेटा अपने तो व्यवस्थित छोटे बड़े होते तैयार नहीं बगैर रहे हैं। ओके, एंड बेटा प्रॉपर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उसको भी नोट कर लीजिए साथ साथ में। थर्ड है हाई डाइपोल मोमेंट। ड्यू टू, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? हाईली पोलर इन नेचर। पोलर समझते हो ना? मैंने अभी बताया कि कुछ जो उस पर डेल्टा चार्ज आ जाता है उसको पोलर बोलते हैं। ओके, और जरा कम कर। हाई सरफेस टेंशन हो जाता है। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन समझते हो? सरफेस टेंशन हाँ सर, जो सरफेस पे जितना फोर्स लगता है ना, उसको जैसे सपोज एक कोई बीकर में आप पानी लिए हो या किसी भी बाल्टी में पानी लिए हो, तो जब हम लोग उसको बड़े उसके देखते हैं तो इस तरीके से वाटर की लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। जिस साइड में होता है वाटर ऊपर हो जाता थोड़ा, और जो मिडिल में वाटर होता है वो थोड़ा नीचे हो जाता है, ड्यू टू यहाँ सपोज यहाँ के जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उस पर फोर्स लग जाता है, इस तरीके से फोर्स लग जाता है, तो जो इस पॉइंट का वाटर है वो थोड़ा नीचे हो जाता है और ये वाला वाटर है वो ऊपर जाता है, क्योंकि इस पर एक ही फोर्स लगता है नीचे वाला इस तरीके से, और साइड में इसको जो वॉल होती है ना वो पकड़े रहती है, तो इस तरीके से ये साइड के मॉलिक्यूल्स नीचे नहीं आ पाते, इसको सरफेस टेंशन फिनोमेना बोलते हैं। ओके, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है इसकी।
कंडक्टिविटी हाई ओके स्पेसिफिक हीट ओके देखो नेक्स्ट है वाटर वाटर क्या होता है बच्चों कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है कूलिंग एजेंट समझ रहे हो वाटर जो क्लाइमेट होता है ना सपोज क्लाइमेट में कोई हीट है जैसे बारिश होती है जब भी कोई बारिश हो गई है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है अपना क्लाइमेट को थोड़ा ठंडक ठंडक महसूस होने लगता है तो जो हीट होता है ना हीट एब्जॉर्ब कर लेता है जो क्लाइमेट का हीट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इसमें लिख लो ड्यू टू एब्जॉर्बेशन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बच्चों थोड़ा हाई होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ये प्रॉपर्टीज आपको यूज नहीं होगी बट ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना इनका यूज बहुत होगा डायरेक्टली कहीं नहीं खींच जाएंगे किसी भी चीज में कहीं पर भी नहीं खींच जाएंगे बट इन प्रॉपर्टीज का यूज बहुत ज्यादा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू दिस फिनोमेना इसकी वजह से जो वाटर होता है ना वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है ड्यू टू दिस वेरी गुड सॉल्वेंट ओके इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं ओके नाइन्थ नंबर पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स इवन कोवेलेंट कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट डिजॉल्व इन वाटर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड सारे डिजॉल्व हो जाते हैं इन वाटर में ओके आयनिक कंपाउंड और इवन कोवेलेंट कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स डिसॉल्व इन वाटर आयनिक कंपाउंड सपोज एल्कोहल का रिएक्शन अगर वाटर से कराते हैं तो वो भी डिसॉल्व हो जाता है ओके अगर हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड की जगह पे हम लोगों ने NaCl का रिएक्शन करा देंगे तो वो भी डिसॉल्व हो जाता है ओके बच्चों तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है जिसमें कोई भी एलिमेंट हो आयनिक कंपाउंड हो कोई भी एलिमेंट सारे एकदम डिसॉल्व हो जाते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल्स मेटाबॉलिज्म ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है बट ये आपको पता है कि ये सॉल्वेंट होता है जो फूड है आयन्स है मॉलिक्यूल्स है जो भी है प्लांट और एनिमल की बॉडी में ये ले जाने का काम करते हैं ओके जो वाटर के फॉर्म में ही आते हैं ना जाइलम फ्लोएम से अगर प्लांट में आपको कुछ भेजना है उसको कुछ भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो वो वाटर के थ्रू ही जाते हैं जाइलम फ्लोएम के थ्रू जाते हैं बट वाटर के फॉर्म में ही आते हैं सिमिलरली क्या होता है हमारी बॉडी में भी क्या होता है जब हम वाटर पीते हैं तो आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमारा जो फॉर्म रहता है इससे जो
ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो वाटर काम करता है, जैसे ब्लड के रूप में वो हमारी हर सेल तक या ब्लड हर बॉडी के पार्ट तक जो आयंस और मॉलिक्यूल्स और एमिनो एसिड वगैरह जो भी प्रोटीन वगैरह पहुंच जाते हैं। ओके बच्चों समझ में आया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है हमारे बॉडी में या प्लांट बॉडी में। ओके ये हो गया उसको कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आते हैं जो हम लोगों ने थ्री प्रॉपर बोला था ना, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो हम लोगों ने लिक्विड का बात कर लिया था, गैस का बात कर लिया था, सॉलिड का बात अभी हम करते हैं। सॉलिड थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको बाद में बताता हूँ। सॉलिड में जो आइस का फॉर्म है उसमें एक क्वेश्चन आता है कि आइस वाटर से मतलब जो वॉल्यूम आइस का ज़्यादा होता है कि नहीं होता, इसकी वजह से वो फिर भी पानी में तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है, उसका रीजन क्या है? वेरी गुड, हम लोग अभी पढ़ते हैं देखते हैं। नेक्स्ट डाल लीजिए, आइस डाल लीजिए हेडिंग, सॉलिड डाल लीजिए। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि वो वाटर होते हैं उसका डेंसिटी 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है, वो क्यों वो सब समझ में आया? जो वाटर का डेंसिटी होता है 4 डिग्री सी पे सबसे ज्यादा होता है वाटर का डेंसिटी। इस जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है बेटा उसमें हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, डेंसिटी 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है, आप उसको याद रख लीजिए। उसको इन डिटेल्स में हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर अभी पढ़ना है तो फिर हम बता सकते हैं, बट जो चैप्टर है हम लोगों का थोड़ा स्लो हो जाएगा। ओके अगर अभी पढ़ना तो मैं बताऊं? नहीं सर वो सॉल्यूशंस नहीं पढ़ लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए अगर आपको डाउट है। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू, लिख लीजिए उसमें जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर एट 4 डिग्री सी, उसमें क्या हो जाता है जो अपोजिंग इफेक्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का जो अपोजिंग इफेक्ट होता है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल लैटिस की एनर्जी होती है ना, ये लैटिस एनर्जी जहाँ पे उसका स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेस ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी हम आइस के फॉर्म में पढ़ते हैं, आइस में पढ़ते हैं, अभी चलो हम बताते हैं आइस में। इधर पे हेडिंग डाल लीजिए, आइस में आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा मैं। ओके कहाँ पे वाइड स्पेस हो जाता है, कहाँ पे नहीं होता। आइस क्या होता है? हाईली ऑर्डर्ड थ्री डायमेंशनल हाइड्रोजन होता है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिख लीजिए। आइस हैज हाईली ऑर्डर्ड थ्री डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ओके बच्चों थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहता है। ईच हाइड्रोजन एटम सराउंडेड टेट्राहेड्रिकली बाय 4 अदर हाइड्रोजन एटम्स। ईच हाइड्रोजन एटम इज सराउंडेड बाय टेट्राहेड्रिकली 4 हाइड्रोजन एटम्स। देखो आइस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों वो बना लीजिए, अभी उसमें मैं आपके डिटेल्स में जो आपका डाउट है 4 डिग्री सी वाला वो भी क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसमें थोड़ा सा स्पेस इधर को कर लीजिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके बच्चे अभी इधर तो होगा सेम
हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम यहाँ पे आएगा इसी के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा ओके यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन ओके नेक्स्ट इसमें आता है यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन इसको यहाँ पर बोलो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनता है ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ओके बच्चों ये हाइड्रोजन का आइस का स्ट्रक्चर हो गया ओके समझ में आया बच्चों ये इधर से ऐड हो जाएगा ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है आइस का स्ट्रक्चर हो जाता है वाटर के मॉलिक्यूल इस फॉर्म वाटर के मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सॉरी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना H2O आइस फॉर्म में अगर आइस होता है तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से देखो इधर पे क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है अगर इस वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स 1, 2, 3 और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स से अटैच रहता है अटैच है कि नहीं है तो अभी वही मैंने बोला जो पॉइंट बोला कि ईच हाइड्रो एक ऑक्सीजन एटम जो ऑक्सीजन है अटैच सराउंडिंगली जो 4 हाइड्रोजन एटम्स ओके इसमें लिखिए each oxygen atoms surrounded literally 4 other hydrogen atoms ये पॉइंट समझ में आया बच्चों समझ में आया ये पॉइंट हाँ सर जो ऑक्सीजन एटम है उसमें 4 जो बॉन्ड होते हैं ना देखो 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं और 2 ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें क्या होता है 2 कोवेलेंट बॉन्ड ये भी समझ में आया आप लोगों को एंड एक पॉइंट और है 1H2O इज सराउंडेड बाय 4H2O मॉलिक्यूल्स ये भी पॉइंट है ना 4H2O मॉलिक्यूल्स ओके अब देखो जो ये स्पेस छूट गया ना मैं जिस स्पेस की बात कर रहा था ये स्पेस छूट गया
ये भी वॉइड हो गया, ये भी वॉइड हो गया, इधर पे भी बेटा इधर पे बॉन्डिंग हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोड़ गया, ओके ये भी वॉइड हो गया। तो इस जो वॉइड स्पेस है ना, इस वॉइड स्पेस की वजह से जो डेंसिटी डेंसिटी होती है ना वो चेंज हो जाती है। इसकी वजह से जैसे जैसे हम उसको फ्रीज करने लगते हैं, उसको टेम्परेचर पर लाने लगते हैं, उसकी डेंसिटी चेंज होने लगती है, ओके। तो ये जैसे हम लोग गैसियस फॉर्म में रहते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में क्या रहते हैं, जो जो मॉलिक्यूल्स है वो एसोसिएटेड रहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड रहते हैं, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो मॉलिक्यूल्स उसमें सारी प्रॉपर्टीज की चेंज हो जाती है। लेकिन जब गैसियस स्टेट में होते हैं तो मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड होने की वजह से उनका डेंसिटी भी चेंज होता है, डिफरेंट चेंज होता है। और जब आइस फॉर्म में आते हैं तो आइस फॉर्म में जब इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो बीच में ये वाइड स्पेस हो जाता है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर एरिया इज इन लिक्विड स्टेट इज मच ग्रेटर देन द आइस। अगर इसी एरिया की हम बात करें, जो इतने मॉलिक्यूल्स लिए हैं हमने, ये पूरे मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इतने एरिया की बात करें, अगर यही एरिया में आइस होती है और यही एरिया में हम लोग वाटर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, तो इस एरिया में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे और ये वाइड स्पेस कम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर एरिया इन लिक्विड स्टेट इज मच ग्रेटर देन आइस। तो इसकी वजह से इसी स्पेस की अगर हम बात करें तो वाटर की डेंसिटी बदल जाती है और आइस की डेंसिटी चेंज हो जाती है, और यही रीजन होता है कि आइस वाटर पर फ्लोट करती रहती है जबकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होने के रीजन भी। समझ रहे हो? अगर इसको आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जैसे फ्रीजर में हम लोग बर्फ रखते हैं, बर्फ बनने के लिए रखते हैं, तो किसी कटोरी में या किसी किसी भी चीज में आप बर्फ बनने के लिए रखते हैं, तो अगर पानी फुल भर दिया है उसमें ऊपर से, जब आइस बनती है फ्रीजर से तो आइस ऊपर निकल आती है। ये कभी आपने ये गौर किया होगा कि कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है, कोल्ड ड्रिंक का बोतल थोड़ा सा ऊपर से खाली आता है, खाली आता कि नहीं आता, वो यही रीजन होता है कि वो खाली आता है कि अगर हम लोग उसको आइस फॉर्म में बनाएंगे, सब कुछ कोल्ड ड्रिंक जमा लेते हैं हम लोग, तो उसका वॉल्यूम बदल जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका ढक्कन या तो बोतल फट जाएगी या तो ढक्कन खुल जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि अगर उसको हम लोग आइस को कंडेंस आप लोग जमाते हैं तो वो ऊपर तक आ जाए, तो पूरा फिल हो जाए, इसलिए उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। समझ रहे हो बेटा? इस वाइड स्पेस को वैकेंट स्पेस या वाइड स्पेस बोलते हैं, ओके। किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। डेंसिटी क्यों चेंज होती है, 4 डिग्री से को मैक्सिमम होती है, उसको डिटेल्स में हम लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फॉर लिटिल इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ जान लिया कि डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है वाटर की, ओके। अभी हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं, क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जानते हो बच्चों, एम्फोटेरिक क्या होता है? हाँ सर, वो बेस और एसिड दोनों एक्ट करता है, दोनों की तरह काम करता है। पहला तो आप लोग ये लिख लीजिए, वाटर इज हाईली स्टेबल एंड इट डिसोसिएट इनटू H2 एंड O2 एक्सटेंट एट 8.5% वाटर highly stable dissociate H2NO2। दो ही मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस, अगर ऑक्सीजन गैस में उसको डिसोसिएट करना है, क्योंकि डिसोसिएट बहुत ही कम अमाउंट में होता है, 8.5
5% डिसोसिएट होता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 2270 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे अगर इसको डिसोसिएट करते हैं सिर्फ 8.5% ही ये बन रहा है, ये डिसोसिएट होता है उसका। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। सेकंड प्रॉपर्टीज डाल लीजिए, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक नेचर। ओके, इसमें क्या कैन बिहेव एज एसिड और बेस। ओके, ओके बच्चों, इसका रीजन क्या है? सपोज एक रिएक्शन लिखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर H2O रिएक्ट करता है NH3 से, रिएक्ट किया, NH3 का नाम क्या है? अमोनिया। अमोनिया, वेरी गुड। रिएक्ट करने से NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्म करता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आरहिन क्या नाम, जो ब्रोस्टन लोरी थ्योरी होता है, आप लोगों को पढ़ा होगा शायद, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, और इसी में मैंने हाइड्रोजन के चैप्टर में ही बताया था, जब हाइड्रोजन एच आयन डोनेट करता है या एच आयन एक्सेप्ट करता है, तो ब्रोस्टन लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग में क्या होता है कि जो एक्सेप्ट करते हैं, जो डोनेट करते हैं, एसिड बेस कौन होते हैं तो बताएगा। देखो NH3 है, NH3 ने यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि इसने एच आयन एक एक्सेप्ट किया, यहाँ पे H3 थे, यहाँ पे H4 होगा, तो इसने यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसने एक एच डोनेट किया है, तभी तो ये OH नेगेटिव बन गया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस को ले लीजिए या ब्रोस्टन लोरी थ्योरी को ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि जिसने एच आयन डोनेट किया वो एसिड हो जाता है, तो जिसने गेन किया वो बेस हो जाता है। ओके, उसके अपोजिट में जो डोनेट करने के बाद जाते हैं, जो बनते हैं, जो बेस एसिड होता है, वो कंजुगेटेड बेस बन जाता है। समझ में आया बच्चों? ब्रोस्टन लोरी थ्योरी बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा क्या? आई थिंक आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ओके, मैंने आपको बता दिया उसमें जो प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन मीन्स क्या, देखो आरएनएस ने बोला था प्रोटॉन डोनेट करता है, पर इसने बोला था ब्रोस्टन लोरी ने कि जो एच आयन डोनेट करता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों प्रोटॉन ही है। ओके, ओके बच्चों, समझ में है? तो ये आप लोग थोड़ा स्टडी कर लेना, उसका जो मीनिंग है पूरा समरी ये है कि जो एच आयन डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है, बस ये दो लाइन और कुछ भी नहीं है इसमें। ये एग्जाम्पल वन हो गया। एग्जाम्पल टू में देख लीजिए, H2O रिएक्ट करता है जब H2S से रिएक्ट करता है। ओके, H2O प्लस H2S, H3O पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव। इसमें बताइए कौन एसिड है कौन बेस है? H2S एसिड है। H2O बेस। ये कंजुगेटेड एसिड कंजुगेटेड बेस। ओके बच्चों, समझ में आया? अभी एक जनरल चीज मैं आपको बताता हूँ,
मतलब ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि जो कंजुगेटिव एसिड होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है उन पे, ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करेगा, जब नहीं करेगा तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ काम कर रहा है कहाँ नहीं। ठीक है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लोगों को इतना सब ये सब थ्योरी और नहीं पढ़ना है, जो तो नेगेटिव चार्ज होता है ओके वो बेस होता है ओके ओके, ये थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला जनरल चीज है, आप लोग याद करना ओके। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एम्फोटेरिक इन नेचर में एसिड जो H2 है कैन बिहेव एज एसिड और एज अ बेस, तो इसका जो प्रॉपर्टीज कैसी क्यों करता है उसका रीजन देख लिख लीजिए यहाँ पे। जो H2O है, सपोज H2O का दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कराते हैं हम, तो दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कराने के बाद जो रिएक्शन होता है H3O पॉजिटिव प्लस HOH नेगेटिव, इस तरीके से रिएक्शन होती रहती है। अगर H2O आपस में रहता है ना, वाटर कभी ऐसे फॉर्म में नहीं होता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में मिल जाए, ये कभी नहीं मिलता है। वाटर वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव में मिलता है, OH नेगेटिव में मिलता है। किसी बुक में आपने पढ़ा होगा H2O का जब डिसोसिएशन करते हैं इस तरीके से, तो H आयन प्लस OH आयन लिखा रहता है। तो ये हम लोग एज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम लोग लिख देते हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखा गया है तो इस फॉर्म में रहता है, प्रोटोनिक फॉर्म में रहता है, जो H3O पॉजिटिव है इस फॉर्म में रहता है। हम लोग कैलकुलेशन के लिए जो केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह जो चैप्टर है उसमें कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं ओके। बट किसी बुक में लिखा हुआ ये तो वो गलत नहीं है, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो H3O पॉजिटिव है। तो इसमें जो लिखा है वाटर है जो, अभी इसमें देखो किसी वाटर को ले लो, इसके साथ रिएक्शन ले लो, इसके साथ रिएक्शन ले लो, ये हो गया एक कंजुगेटिव एसिड हो गया, ये कंजुगेटिव बेस हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। ऑटो प्रोटोलिसिस ये प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि ये उसको सेल्फ आयनाइजेशन बोल सकते हैं। सो इस प्रॉपर्टीज वजह से जो सो वाटर कैन एक्ट एज अ रोस्टन एसिड व्हाइल डिसॉल्विंग इन एल्कली मेटल्स और एल्कली सॉल्यूशन एंड act as a Bruston base when dissolved in acid okay। ये first reaction हो गई ऑटो प्रोटोलिसिस, आप लोगों को पता लग गया कि वाटर कब हम लोग डिजोल्व करते हैं कब नहीं करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वाटर कैसे रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती है ना, इसमें विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स डाल लीजिए। फर्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कोई बताएगा कौन कौन सा होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप की मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ इसी चैप्टर में, आपको बताया इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में बताया था, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव ओके। सपोज वाटर H2O है रिएक्ट विथ सोडियम ओके, इट गिव्स
NaOH and H2 gas. I think ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को करा चुका हूँ। मैं H2 गैस की फॉर्मेशन में मैंने कराया है। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स के साथ वाटर की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। जब सोडियम पढ़ोगे तो उसके साथ वाटर की रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन में भी हमने और हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे फॉर्म होता है। और जब NaOH हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें भी हम लोग H2 और NaOH H2 और Na का रिएक्शन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। आप लोगों को पता है, अच्छा इसमें जो रिडक्स रिएक्शन है मैंने वो नहीं बताया कि H2O, इसमें H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, इसमें -2 है, इसमें +1 है, इसमें 0 है। अभी मेटल्स का 0 होगा ना, मेटल्स अगर थ्री फॉर्म में है तो वो 0 होगा। ओके, ये लिक्विड है यहाँ पे, ये भी एक्सप्रेस बनेगा, ये गैस फॉर्म में बनता है। यहाँ पर मेटल्स की +1 हो गई है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे H2 की 0 हो गई। तो अगर देखा जाए H2O कन्वर्ट हो गया H2 गैस में, Na कन्वर्ट हो गया NaOH में। बच्चों समझ में आया? तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसमें डिक्रीज हुई है तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो वाटर जब रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों फॉर्म होते हैं। ओके, अभी इसमें वाटर क्या काम करता है वो हम बता सकते हैं कि वाटर खुद रिड्यूस हो जा रहा है। तो यहाँ पर वाटर क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसी कोई डाउट बच्चा? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ा किसी ने? एनीवन कोई बताएगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है? H2O plus CO2 in presence of sunlight gives glucose. Yeah, H2O and CO2 in presence of sunlight C6H12O6. Okay. O2. O2 plus O2. Okay. Plus H2O. सर और H2 भी निकलता है ना शायद? हाँ, H2 भी निकलता है। ओके, तो इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडाइजिंग O2 ऑक्साइड जो होता है ना, वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2, जो वाटर है ये O2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। ओके, बस इतना याद रखना, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में वाटर ऑक्सीजन में O2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, ये रिएक्शन आप लोगों को आएगा नहीं, बट ऐसा मैंने बताया कि आप लोगों को आइडिया लगना चाहिए कि वाटर क्या क्या काम करता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, ये रिएक्शन 9th-10th में आती थी आप लोगों का एग्जाम में आती होगी, अब नहीं आने वाले। ओके, विथ फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन के साथ वाटर का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? फ्लोरीन बोल सकते हैं या जो भी हैलाइड होते हैं फ्लोरीन वगैरह, उनके साथ रिएक्शन करने से क्या फॉर्म होता है? ओके, फ्लोरीन निकलेगा विथ H2 F2। ओके, जब F2 रिएक्शन करेगा विथ H2O इट गिव्स HF प्लस O2। ओके, HF को हम लोग लिख सकते हैं H पॉजिटिव, F नेगेटिव, इस तरीके से फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। तो जो F2 की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो यहाँ पर उसके -1 हो जाती है, तो ये यहाँ पे रिड्यूस हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे
H2S में कन्वर्ट हो गई, ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 थी, यहाँ पे 0 हो गई। समझ में आया, ये उसका रिडक्स रिएक्शन हो गया H2O का। बच्चों किसी को डाउट है यहाँ तक, किसी को डाउट? नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस डाल लीजिए हम लोग यहाँ पे। हाइड्रोलिसिस कब होता है? ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप लोगों को बताया मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, इस वजह से वाटर होता है किसी भी चीज के साथ सॉल्वेंट, मतलब एज ए सॉल्वेंट काम करने लगता है। तो वाटर का जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं इसमें, वन सेकेंड लगते हैं, ओके बच्चों। तो रिएक्शन विथ मेटल्स इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हो गया, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स हो गया। नॉन मेटल्स में मैंने F2 के साथ रिएक्शन कराया, कार्बन के साथ रिएक्शन भी करा सकते हैं हम लोग, Cl2 के साथ रिएक्शन भी करा सकते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। Cl2 के साथ कराएंगे तो उसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो हाइपोक्लोरिक एसिड बनेगा उसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, रिएक्शन होता है मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, सेवरल कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करने के बाद बनता है। देखो अभी इसमें लिख लीजिए, फर्स्ट लिख लीजिए, P4H10O10। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे H2O का तो ये हाइपो H3PO4 बनेगा। ओके, ये एसिड बन जाएगा। ओके बच्चों, SiCl4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूँ कल मैं आपको इनका बैलेंस, जो बैलेंस रिएक्शन है वो पूछूंगा, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ओके, आपको बैलेंस करना है SiO2+HCl। ओके, N-NH2O NH3 फॉर्म होता है यहाँ पे, प्लस OH-। ओके ओके बच्चों, और भी इसमें लिख सकते हैं ऐसे। अभी अगर इसको हमको अलग अलग क्लासिफाइड करने हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करने हैं तो लिख सकते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन N2O+H2O gives us NaOH। ओके,
नेक्स्ट है नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में SO3 हो गया प्लस H2O, Cl2O7 प्लस H2O, N2O5 प्लस H2O, ओके. एंड P4S10 तो हमने पढ़ लिया है कंपाउंड, ओके. तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO4, यहाँ पे HClO4, यहाँ पे बनेगा N2 से रिएक्शन करने वाला HNO3 जो एसिड बनता है बच्चों, उन लोगों को रिस्पेक्टिव एसिड बन जाता है, ओके. तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस. अगर हम लोगों को और रिएक्शन पढ़ना है तो हम लोग इसमें कार्बाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, CaC2 प्लस H2O, यहाँ पे C2H2 बन जाता है. C2H2 का नाम बताएगा कोई? C2H2 का नाम एसिटिलीन. एसिटिलीन, वेरी गुड. कैल्शियम कार्बाइड, इसका नाम एसिटिलीन, ओके. अगर हम रिएक्शन कराएं Na2CO3 से रिएक्शन विथ वाटर गिव्स अस NaOH प्लस H2CO3. बहुत सारा रिएक्शन है, आप कितना भी ले सकते हो, ओके. अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट पार्ट इज जो मैं अब लिखाने जा रहा हूँ, ओके. हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, इसके स्टार बना लीजिए, हाइड्रेट्स फॉर्मेशन इसको लिख लीजिए. जो मैनी क्रिस्टलाइन सॉल्ट फ्रॉम वाटर विथ वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद देम, जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं ना उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मतलब वन और वन से ज्यादा, एक एक से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स उससे एसोसिएट हो जाते हैं. जैसे जो हाइड्रेट फॉर्मेट होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट थ्री टाइप्स होते हैं, ओके. या इसमें थ्योरी लिखना है तो लिख सकते हैं, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन मैनी सॉल्ट क्रिस्टलाइज एज ए हाइड्रेट सॉल्ट, ओके. From their aqueous solution, many salt crystallize hydrated salt. ओके okay. अब ये देखो, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रेट सॉल्ट मिलते हैं अपन को. कौन कौन से मिलते हैं? नंबर वन मिलते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर, मेरा कोई नाम नहीं है बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो किस तरीके से फॉर्म होते हैं या किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके. इसमें क्या आता है बच्चों, इसमें ही होता है, इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, CrH2O6 प्लस 3 Cl नेगेटिव. इसमें क्या होता है, सपोज जो क्रोमियम है, क्रोमियम में वाटर के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में अटैच रहते हैं, इस तरीके से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं
ये अटैच रहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट है, अगर इसमें पूछ दिया कि इसमें अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी हाइड जो क्रोमियम है कितने वाटर उससे अटैच है, तो जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वही उससे हाइड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट रहते हैं, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डेड जो ब्रैकेट के अंदर रहते हैं वही उससे एसोसिएट होते हैं क्रोमियम से, जो ब्रैकेट के बाहर रहते हैं वो एसोसिएट नहीं होते हैं, क्रोमियम से एसोसिएट नहीं रहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। देखिए नेक्स्ट इसमें है, ये वाला समझ में नहीं है कैसा सर, ये आपने वो ब्रैकेट वाला क्या बोला? जैसे देखो, अगर जैसे एक है ये क्वेश्चन में लिखूं यहाँ पे CuSO4 5H2O इस तरीके से लिखा है, इसमें अगर पूछा जाए कि कितने जो हाइड्रोजन है या कितने H2O है जो कॉपर से एसोसिएटेड है और कितने हाइड्रोजन है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही है, तो आप इससे नहीं बता सकते हो। अगर इसका आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है CuH2O4SO4.H2O, yes, तो इसका मतलब है जो कॉपर से हाइड्रोजन H2 वाटर अटैच है वो चार वाटर अटैच है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, कॉपर होगा, फोर वाटर होगा इसमें फोर डायरेक्शन से, फिर यहाँ पे आएगा SO4, फिर आएगा H2O। समझ गए बच्चे? हाँ हाँ सर। इस तरीके से अगर मैं इसको पूछूं कि कितने क्रोमियम से अटैच वाटर है, तो यहाँ पर सिक्स है, डायरेक्ट सिक्स अटैच है। अगर इसमें पूछूं मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला देता क्वेश्चन में, अगर मैं तुमको ये दे देता तो आप इसमें बता नहीं पाते, क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता होगा तो इस तरीके से इसको भी वो लोग घुमा के दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ SO4 अटैच कर देंगे, यहाँ पे होल्ड वाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बेसिकली फॉर्मूला पता होना जरूरी है कि क्रोमियम के साथ वाटर के सिक्स मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ओके हाँ सर। जो सेकंड नंबर का है, इंटरस्टीशियल वाटर, अभी फिर से यहाँ पे इंटरस्टीशियल वर्ड आ गया। इसमें एग्जांपल है बच्चों BaCl2+2H2O, ये एग्जांपल हो गए। इसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से काम होता है, Ba डबल पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल हो जाएगा इस तरीके से H हो जाएगा, इस तरीके से H हो जाएगा। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अभी इसमें इंटरस्टीशियल वर्ड बोला, तो सपोज मैंने आपको बताया इंटरस्टीशियल वर्ड क्या है, वही सेम चीज है। एक कोई बॉक्स है मेरे पास, अगर इसमें बहुत सारा बॉल्स पड़ा हुआ है, सपोज ये बहुत सारा बॉल्स, ठीक है, ये BaCl2 की बॉल्स है। ओके ठीक है, तो इसमें जो बीच में स्पेस बचा हुआ है, जैसे ये स्पेस है, ये है, ये स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर वाटर फिल हो जाता है और इसी को बोलते हैं इंटरस्टीशियल वाटर। ये जो दो मॉलिक्यूल्स, दो बेरियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर वाटर फिट बैठ गया, तो उसको इंटरस्टीशियल वाटर बोल दिया। समझ में आया बच्चों? थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। ठीक है, अब इसमें हाँ, इसमें तो आप वही एग्जांपल ले लीजिए जैसे CuSO4 है × 5H2O, 5H2O के एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले तो इसका हमको ओरिजिनल स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, C
CuH2O4SO4H2O. ओके बच्चों, ये इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला स्ट्रक्चर होगा. Cu वन वाटर, दो वाटर, थ्री फोर वाटर. ओके, SO4 डबल नेगेटिव, यहाँ से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हो जाता है. ओके, तो अगर इसमें पूछे कि जो हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद CuSO4 इनटू 5H2O, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड है हाइड्रोजन बॉन्ड से? सिर्फ वन ही अटैच है, समझ में आया ना बच्चों? सिर्फ एक ही अटैच है वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड से. अगर पूछे हाइड्रोजन बॉन्डेड तो एक है, अगर पूछे कि जो सेंट्रल एलिमेंट कॉपर है, कॉपर से कितनी अटैच है, तो यहाँ पे चार है. समझ में आया बच्चों? समझ में आया? किसी को डाउट है? नहीं सर. वेरी गुड सर. वो जो कॉपर से अटैच्ड है H2O, उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना इसमें? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डेड जो एक्चुअली हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड आपस में हो सकता है. H2O में हाइड्रोजन आपस में हो सकता है, जो H2O है ना उसमें आपस में हो सकता है. बट जो हाइड्रोजन बॉन्डेड से अटैच्ड एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल से अटैच्ड है, मॉलिक्यूल तो ये है ना? हाँ हाँ सर. तो इससे जो अटैच है वो ये है, तो लेकिन इसमें आपस में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ सर, वॉल्यूम हो जाएगा. तो इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो उसका लिख लीजिए, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच एसोसिएटेड विद CuSO4 इनटू 5H2O. आपका अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे, कोई बुक रेफर कर रहे होगे, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए होंगे. एक दो क्वेश्चन होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन. ओके, तो इसके लिए और भी एग्जाम्पल हैं, मैं सीट में आपको दूंगा, तो आप उसको सॉल्व करना. ओके, ठीक है बच्चों? तो वाटर यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है, वाटर यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया हमने उसका. यूजेज वाटर का लिखाने की जरूरत नहीं है. वाटर का यूज लिखाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं होगा यार. वाटर का यूज तो आप लिख ही सकते हो अगर क्वेश्चन आया तो. ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट है. अच्छा, किसी ने सॉल्व किया तो हम लास्ट में जो सीट दिया था मैं वो डिस्कस कर लूं, या मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊं? किसी ने सॉल्व किया? किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास का जो सीट दिया था मैंने? सर, कन्वर्जन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इनटू ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक है? कन्वर्जन एक बार और बताइए बच्चों. बेटा, कन्वर्जन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इनटू ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज? अच्छा, जो एटॉमिक हाइड्रोजन मैंने कन्वर्जन लिखाया था उसमें बेटा जो हीट निकलती है ना, अप्रोक्सीमेट अमाउंट 435 × 98 हीट निकलती है. वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एंडोथर्मिक? यस सर. पर मैं जिस बुक का आंसर देख रही हूँ ना, उन्होंने एक्सोथर्मिक दिया है. देखो, H2 के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क होती है समथिंग 4000 या हाँ समथिंग 4000 केल्विन के, तो 2H निकलते, जो डेल्टा H निकलता है ना 435 समथिंग 90 इस तरीके से होता है. 435 एग्जैक्टली पता, 90 का पता नहीं, जो किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है वहां पे. हाँ, रिलीज होती है तो सब एक्सोथर्मिक ही है. एक्सोथर्मिक है ना? यस यस, रिलीज होती है, रिलीज होती है, आई फॉरगेट, रिलीज होती है रिएक्शन. ओके, हाँ. और सर क्वेश्चन ऐसा है, द टोटल नंबर ऑफ
different types of hydrogen molecules possibly based on the study of isotopes is? The total number of different types of hydrogen molecule possibly based on study of isotope is? जो देखो हाइड्रोजन्स के आइसोटोप्स होते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको आइसोटोप पता होगा 1H1, 1H2, 1H3 ये आइसोटोप हैं। इसको लोग T बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी के लिए इसको D बोल सकते हैं, इसको T बोल सकते हैं। तो इससे कितने हाइड्रोजन, देखो अगर इसकी बात करें हम, तो ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके H2 बना सकता है, H इसको H2 बोल सकते हैं। ओके कितने आइसोटोप या कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉसिबल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना? ओके तो देखो इसमें क्या होगा, सपोज जैसे ये है प्रोटियम है, ड्यूटेरियम भी। अभी देखो सबके पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से डिफरेंट है। जब रिएक्शन करेगा तो एक तो ये खुद के साथ रिएक्शन करके बना सकता है, जैसे टी बना सकता है रिएक्शन, इसको मैं H2 बोल सकता हूँ या Q2 बोल सकता हूँ। ओके ठीक है, अभी ये D2 बना सकता है, ये T2 बना सकता है, तो यहाँ से तीन तो हम लोग को मिल गए हैं। ओके सर, हाँ सर वो H3 है ना, H1 थर्ड आइसोटोप है ना, वो रेडियो एक्टिव है, तो वो बना सकता है टाइमर? हाँ क्यों नहीं बना सकता, वो आपस में रिएक्शन करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते, बना सकते। उसने पूछा पॉसिबल, पूछा पॉसिबल डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ये पी और डी ये भी रिएक्शन करके पी और डी बना सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1H2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, हाँ लिख सकते हैं। E और T के साथ ही बना सकता हूँ, P और T के साथ, तो इसको 1H1 और 1H3 लिख सकता हूँ। तो तीन तो ये हो गए थे हमारे पास, और P के साथ रिएक्शन करने से दो और बन रहे हैं, D के साथ सेम अगर करेंगे तो इस तरीके से बनेंगे, तो D के साथ रिएक्शन करने से क्या बनेगा, 1H2 1H3 ये बन जाएगा। तो टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल 6 आ रहे हैं। हाँ 6 आ रहे हैं, क्योंकि 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 1, 2 और 3 6 हो जाएंगे। ओके सर वो अपने लास्ट वाला बताया ना, लास्ट वाला वो समझ नहीं आया, लास्ट वाला जो देखो अभी देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1H1 1H2 1H3 ओके अभी हाँ। सब सारे एक्सप्लेन करता हूँ मैं, 6 कौन से बनेंगे देख लीजिए। एक तो 1H1 बनेगा ये, ठीक है हाँ। तीसरा बनेगा 1H1 1H2 तीसरा 1H1 1H3 ओके हाँ जो है, हाँ जो है बोलिए। नहीं सर वो गलती से हैं, गलती से हुआ था सर वो हैंड रेज। ठीक है तो ठीक है, तीन ये हो गए, फिर आपस में ये भी बना सकता है, ये 1H2 बना सकता है, बना सकता है कि नहीं बना सकता है? 1H3 बना सकता है आपस में। ओके नेक्स्ट आता है 1H2 एंड 1H3। अभी देखो सबके साथ रिएक्शन हो गया, सबके साथ आपस में मिलके फॉर्म कर रहे हैं, एक तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 बन गया। अभी हम बोलो कि इसके साथ इसका नहीं बनाया, तो 1H2 1H1 इसको 1H2 1H1, तो ये बना हुआ है ऑलरेडी, ये देखो ये वाला बना हुआ, ये बना है ना। अभी आप बोलोगे कि 1H
1H1 तो ये भी बना हुआ है ओके हाँ बना हुआ तो इस तरीके से टोटल 6 ही पॉसिबल होंगे उसने पूछा क्वेश्चन में कि पॉसिबल डाई तो हमें एक मॉलिक्यूल से पॉसिबल डाइमर मॉलिक्यूल्स पूछा है क्वेश्चन में तो वो उनको पॉसिबल बताना है ओके मैं आप लोगों को आज उसका शीट का आंसर भेज दे रहा हूँ उसके बाद आप लोग डिस्कस करना आपस में करना या फिर सॉल्व करना उस पर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज करना या नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं सीट ओके बच्चों अभी मैं तो आप वाटर का जो भी क्वेश्चन है वो मैं और भी आपको सेंड कर दूंगा वाटर के जो भी क्वेश्चन है ओके बच्चों एक बात और याद रखनी है कि जो वाटर है हमारा अभी मैंने H2O पढ़ाया आपको H2O पढ़ाया मैंने इसके साथ हार्ड वाटर भी होता है D2O पता है ना आपको H2O होता है जो नॉर्मल वाटर है एक हार्ड वाटर होता है उसको बोलते हैं D2O ओके तो जो H2O की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वही D2O की प्रॉपर्टीज होती है ओके बट D2O की प्रॉपर्टीज थोड़ा स्लो होती है रिएक्शन स्लो होती है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट मतलब न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो H2O के कंपैरिजन में ये रिएक्शन स्लो होती है बट जो प्रॉपर्टीज होती है 90-95% सेम प्रॉपर्टीज होती है कुछ एक दो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा बट जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होगी इसकी तो मैं आपको शीट्स आज भेजूंगा लास्ट क्लास का आंसर की भेजूंगा उसके बाद वाटर के क्वेश्चन भेजूंगा तो वाटर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको बताना है ओके ठीक है चलिए तो आज क्लास स्टॉप करते हैं अगर किसी को कोई डाउट है थ्रू आउट द चैप्टर किसी को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है सर वो आइसोटोप्स आपने बताया था ना मतलब 1H7 तक होते हैं ना हाँ तो फिर उसमें वो नहीं काउंट होंगे क्या वो नहीं काउंट होंगे जो 1H7 तक आइसोटोप होते हैं बेटा वो मैंने बताया था कि सिर्फ 1H1 और 1H2 1H3 यही हमको नेचर में मिलते हैं तो ये आइसोटोप हैं जो 1H4 से लेकर के 7 तक वो हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं बनाते हैं हम लोग नेचुरली अकरिंग आइसोटोप हमारे तीन ही है क्वेश्चन इसी से ही आएगा जेई में ही क्वेश्चन इसी से ही आएगा 1H1 1H2 1H3 से ही आएगा ये 1H4 से लेकर 7 तक ये आप भूल जाइए ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको जैसे केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है उसको डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है कुछ जानता है तो उसके लिए वो आपको अभी 12th बेसिस में जो एडमिशन लेवल में कहीं काम नहीं आने वाला ये जब आप स्टडी करेंगे तब के लिए बट जिसको इंटरेस्ट है वो उसको जानने के लिए मैंने बताया था कि अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसको 4-7 तक और मॉलिक्यूल्स होते आइसोटोप होते हैं वो सिर्फ लैब में ही बनते हैं और उनकी जो स्टेबिलिटी होती है अकरेंस होती है वो -10^-22 होती है तो आप समझ सकते हो कितना अनस्टेबल है वो मॉलिक्यूल्स या कितना अनस्टेबल है वो आइसोटोप 10 ये इतना मिलता नहीं है ओके हाँ सर क्वेश्चन उन्हीं तीन से ही आएगा जेई में आएगा जब जेई में आता तो हमें सीटी और जेई मेंस तो फिर उन्हीं इसी से ही आएगा ओके हाँ किसी को कोई डाउट है फिर से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन अभी देने वाला हूँ और सीट में अगर क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है फिर मैं आपका डाउट सॉल्व करने नहीं वाला क्योंकि आप लोग सॉल्व नहीं करोगे प्रैक्टिस सीट दे रहा हूँ अभी तो आपको प्रैक्टिस करना है इसमें प्रॉब्लम हो फिर इसके बाद तुमको जो एग्जाम होगा टेस्ट होगा उसके बाद वो भी सीट्स दूंगा देखो अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे गारंटी के साथ कहता हूँ सीट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है इन दिस चैप्टर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ही चैप्टरों से आता है अगर आता है तो एकदम NCERT का लाइन टू लाइन डेट टू आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम डेट टू लाइन आएगा अगर आएगा तो अगर आ जाता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने ओके तो वी विल स्टॉप हियर ओके बाय एवरीवन थैंक यू एवरीवन बाय सर